अपने प्रेस बंधु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जल्दी में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं चंबा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने 25,000 वोट जो है कैंडिडेट को दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के। हार जीत तो चलती रहती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और मैं सबसे पहले तो जितने हमारे विधायक चुन के आए उनको मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ासकर नीरज नैयर को ही मुबारकबाद देता हूँ उनके जीतने पर। और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि ये चंबा के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। मैंने पिछले 5 साल दिन रात जो है चंबा के लोगों का काम किया है, और चंबा के विकास में कोई कमी नहीं आने दी। मेरे ख्याल ये भी एक रिकॉर्ड होगा। आप पिछले सरकारें देख लीजिए, आप भी 25-30-40 साल की सरकारें देख लीजिए, जितने काम इस 5 साल में चंबा विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं ये भी एक रिकॉर्ड है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद। कोई काम इन्होंने जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और क्योंकि उन्होंने कोई चंबा के लिए किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया। जितने भी काम थे आपके सामने नीचे या पार्किंग का काम चला हुआ है, लोगों की बड़ी डिमांड थी ये बालू रोड का अल्टरनेटिव सड़क का, उसका भी काम चला हुआ है, सुई माता का काम चला हुआ है। सबसे बड़ा काम तो जो ये तड़ग्रांग में गुरूरू में था, गुरूरू का काम था ये। मेरे ख्याल लोग रोते रहे बढ़िया के लोग ये इस सड़क नहीं बना सके। आपके सामने सड़क का भी काम जो है कम्प्लीट हो गया, वो मैंने इसका उद्घाटन करना था परंतु उसी दिन अचार संहिता लगी, तो मेरी पूरी कोशिश थी परंतु मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि शायद मेरे में कोई कमी थी या कोई काम छूट गया ताकि लोगों ने हमें कामयाब नहीं किया, परंतु मेरे इसका कोई अफसोस नहीं है। मुझे पूरी तसल्ली है कि जितने काम मेरे दिमाग में थे मैंने सारे काम मेरे हो गए हैं, वो चाहे वो स्कूल थे, चाहे वो सब तहसील थी, चाहे वो IPS का सब डिवीजन था। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि सरकार ने आते ही जितनी भी हमारी अनाउंसमेंटें थी, हमारे जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी उनकी सोच देखी है कि लोगों को घर द्वार पे जो है सहूलतें मिलनी चाहिए, चाहे वो स्कूल है चाहे वो सब तहसील है। अब 100 में सब तहसील खुली, इनको डीनोटिफाइड कर दिया। आई पादा तो इस तरह के लोगों को था, चाहे बाढ़ हो, टीप, साव, कीड़ी, सिलागराड, इन लोगों को फायदा था। मरेडी में IPS का सब डिवीजन खुला, तो जितने भी काम थे हमारे मैंने वो मैं बिल्कुल लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो चंबा विधानसभा क्षेत्र में मैंने काम किए हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस कांग्रेस सरकार ने सरकार बनते ही ऐसे ऐसे काम किए आपके सामने हैं सारे। पहले तो सबसे पहले जो सब तहसील खुली हिसाब में उसको डीनोटिफाइड कर दिया, IPS का सब डिवीजन था, स्कूल थे इतने, और स्कूल जितने थे वो जायज़ थे। आपने देखा होगा ऊपर जनेरे से ऊपर धार मॉल में वहाँ बच्चे, मैं जब वहाँ पहली बार जीत गया मैं देख रहा था कि बच्चे बेचारे सुबह से इतने ऊपर से नीचे आते हैं जनेरा और सिल्लगाड़ में, शाम को उन्होंने ऊपर पहुँचना, सुबह फिर आना, तो क्या पढ़ाई करनी उन्होंने। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी और वहाँ पर उन्होंने हाई स्कूल दिया। हमारी सोच तो ये थी कि लोगों का घर द्वार जो है ये मिलनी चाहिए, इन्होंने आते ही ऐसे काम कर दिए। और मेरे को पता ही है जितने भी इन्होंने वायदे किए थे वो सारे झूठे। मैं तो OBC, मैं तो ये जो जितने भी इम्प्लॉई हैं पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको ये नहीं पता कि इन्होंने पैसे देने कहाँ से हैं OPS, और फिर भी इन्होंने वोट डाल दिए कि ये सरकार देगी। हम पहली कैबिनेट मीटिंग में अभी कैबिनेट नहीं बनी अभी तक ये, और उसके बाद ये इन्होंने कहा कि हर एक महिलाओं के खाते में जो है हर महीने 1500 रुपये डालेंगे। हमें पूरी उम्मीद है और हम इसका समर्थन करेंगे अगर ये पहली तरीक को अपनी जितनी हमारी महिलाएं इनके खाते में 1500 रुपये डाल दें, कि इन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग की हुई है सारी कि 1500 रुपये आना, कि इन्होंने लोन ले लिया कि चलो 1500 रुपये तो हमें आ जाने। और मुझे एक और पूरी उम्मीद है कि जो 300 यूनिट बिजली फ्री इन्होंने की हुई है सबके लिए, चाहे शहर है चाहे गांव है, के लिए ये भी पहली तारीख से जो है ये
लोगों को देंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। जो भी ये जनहित में कार्य करेंगे हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और इनका पूरा हम उसका वो करेंगे। इसके साथ ही इन्होंने 1,00,000 नौकरी देंगे हम हर साल, वो भी देखेंगे कि हर साल 1,00,000 नौकरी ये लोगों को देते कि नहीं देते हैं। दो रुपये किलो खाद गोबर देंगे, ये देंगे। अब देखना कि 2 रुपये किलो खाद ये खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, ये कभी है पॉसिबल? वायदे वही करो जो कि आदमी पूरा कर सके। तो इन्होंने ऐसे ऐसे वायदे देने हैं, कैबिनेट ये नहीं बना सके हैं अभी, वो भी पता नहीं कि बढ़नी कि नहीं बढ़नी है, ये सरकार चलनी भी कि नहीं चलनी, ये भी मैं आपको बता दूं सारी। और इसके साथ ही पिछली सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, इसमें राजा वीरभद्र सिंह ने भी ये वायदा किया था कि जो 1,500 रुपये जो है हम बेरोजगारों को देंगे, वो नहीं दिए इन्होंने। इन्होंने जितने भी वायदे ये, और देख लेना आपने, मैं आज आपके टाइम घड़ी नोट कर लो, डेट भी आज, एक भी वायदा नहीं पूरा करेंगे ये, कैबिनेट में कर देंगे, यूपीएस हमने कर दिया जी, पैसे कहाँ से देने 1,500 रुपये। अब मैं सुन रहा था न्यूज़ में कि हमने ये वायदा नहीं किया कि 1 महीने में दे देंगे, हमने वायदा किया कि 5 साल के अंदर देंगे। अब देखते हैं कि 5 साल के अंदर ये देते हैं कि देते हैं, और 5 साल ये रहते भी कि नहीं रहते ये। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है, और जितने काम मैंने चंबा विधानसभा क्षेत्र में किए ये एक रिकॉर्ड है, और मेरी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी धन्यवाद करता हूँ, किसने 5 साल जब मैं था तो इन्होंने पूरे हमारा कॉपरेट किया और जनहित में सारे कार्य किए। और मैं एक और आगे इनको बता देना चाहता, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट है, चाहे वो IPH है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है, कि जितने भी काम हैं ये देख सुन के करें सारे, क्योंकि मेरे को इसके बारे में पूरी नॉलेज है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, जो काम जनहित में ये करेंगे हम उसका पूरा स्वागतम करेंगे। अब मैं ये सुन रहा था अपने विधायक नीरज नैयर की कि ये जो रेल ब्रिज है इसको हम बड़े जल्दी बनाएंगे, ये तो यार पुराना काम है, इसको मत करो, आप नया काम बताओगे ही, कल को आप बोलेंगे कि पार्किंग भी हमने की, मलूणा की सड़क भी हमने की, इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसको टाइम 2 साल करवाऊँ था मैंने जाता, तो मैंने ये भी कर दिया। तो ये जो ब्रिज है सीतला, ये जो रेल का ब्रिज है, इसकी कंक्रीट भी चालू हो गई है। ये इसलिए पेंडिंग था काम क्योंकि इसका जो था ये इसका डिज़ाइन अप्रूव हो रहा था, दिल्ली से टीम आई, दिल्ली की टीम ने इसका जो डिज़ाइन अप्रूव किया, अब इससे कल से जो है कंक्रीट पड़ना शुरू, नहीं तो इन्होंने कहा ये ब्रिज भी हमने बनाया। अभी तो ये विधायक भी नहीं है, अभी तक ओथ भी नहीं हुई इनकी, और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ बचत भवन में मीटिंग करा दी, अभी तो विधायक की तो अभी ओथ भी नहीं हुई है, जब बहुत होगी उसके बाद काम करें। तो मैं एक बार फिर बड़े प्यार से जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने हमारे डिपार्टमेंट है, कोई भी ऐसा काम ना करे किसी के कहने पर, और खासकर BDO डिपार्टमेंट, BDO ऑफिस, और जितने भी यहाँ इंजीनियर लगे हुए, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है सारी कि सब देख सुन के काम करें, कुछ तो करते हैं ठीक करें, अपने फॉर्मेलिटी पूरी करें उसके साथ करें, और परंतु ये नहीं होगा कि हमारे वर्कर को ये तंग करेंगे। मैं अपने जितने हमारे वर्कर हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इलेक्शन में पूरे दिन रात एक कर दिए इनके लिए, और मैं उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी काम उनके नहीं रुकेंगे। मैं देखता हूँ कि कौन हमारे वर्करों के काम रुकता है, अगर हमारे वर्कर के काम नहीं होंगे तो इनके भी काम नहीं होंगे, ये मैं आपको जितने हमारे वर्कर हैं इनको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, कोई काम नहीं करके देख ले, नहीं तो कोई किसी में हिम्मत आ दो, अगर आपके वर्करों के काम होंगे तो हमारे वर्करों के भी काम होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी ऐसा काम गलत नहीं करेंगे उठाने के लिए, बाकी ये चंबा की डेवलपमेंट करें, हम बिल्कुल इनके साथ हैं, हम इनका साथ देंगे अगर चंबा की डेवलपमेंट में काम करेंगे तो। 70 सड़कें, ब्रिज, और इतने काम किए, मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, देख लेना आपने आपके सामने कितने काम होते हैं सारे। स्कूल हमारे बेचारे कर दिए, त्रोली में स्कूल था, ऊपर बाढ़ में था हमारा स्कूल, ऊपर ये गुआड़ में था, रान में था, जिनकी, और मैं एक चीज़ बता दूँ, जब मैंने रान का +2 स्कूल किया तो मेरे को कुछ टीचर मिले साहब के, उन्होंने कहा नहीं ऐसा ये बहुत अच्छा काम किया आपने, मैंने क्यों, बोले हमको बच्चों को 1 घंटा पहले छुट्टी करनी पड़ती थी क्योंकि उसके बाद कोई बस से नहीं जाती थी, तो बच्चों ने घर कैसे पहुँचना है, तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इन्होंने को डीनोटिफाई किया। एक चीज़ और बता दूँ, ये भी इसमें ड्रामा कर रहे हैं,
ये स्कूल ये फिर इसको सेंक्शन कर देंगे, ये हमने किया है। इनके पर लोगों को, सारे चंबा के लोगों को पता है, ये जानबूझ के लोगों को ये बता रहे कि हमने इसको कैंसिल कर दिया, फिर हम इनको दे देंगे, ये हमने दे दिया आपको, स्कूल भी दे दी और सब तहसील भी दे दी। मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चरण ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने चंबा के लिए, कोई काम नहीं छोड़ा अभी मेरे दिमाग में, और मुझे पूरी तसल्ली है। और मैं चंबा के लोगों के ऊपर भी बड़ा हैरान हूँ, ये नीचे वेंडिंग जोन का काम चला हुआ है, फ्री दुकानें हम दे रहे हैं, जब किसी ने इसका कोर्ट का स्टे लिया एक भी आदमी नहीं बोला, और हैरान तो मैं प्रेस वालों के ऊपर भी हूँ, किसी ने नहीं एक चीज़ नहीं लिखी कि ये गलत किया जिसने भी स्टे लिया, पर कोई नहीं बोलता चंबा को, कहाँ से तरक्की होना, इन लोगों की वजह से चंबा बैकवर्ड है, जिस हिसाब से इन्होंने जितने डेवलपमेंट के काम किए थे, हमारे सेंक्शन किए थे हमारे, इनको डी नोटिफाइड किया है, तो ये इसका क्या मतलब है, एक तो ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के उसमें है, कहाँ से चंबा ने तरक्की करनी है, कोई तरक्की नहीं कर सकता जिस हिसाब से ये आगे काम कर रहे हैं। पर तो फिर भी मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करता कि जो भी ये जनहित के कार्य करिए हम इनके साथ है करता है। हमने 26 तारीख को महाजन साहब हमें एक मीटिंग रखी हुई है, वहाँ पर हम सारे गरीबी से सुनने के ऊपर करोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक 11 बजे 26 तारीख को महाजन साहब हमें सारे इकट्ठे हो जाएं, और हमारे यहाँ पर जिला अध्यक्ष बैठे हैं, उपाध्यक्ष बैठे हैं, हमारे जिला के मीडिया प्रभारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे मंडल के विनोद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे वर्कर हमारे, मैं तो इन वर्करों की दैनदारी नहीं दे सकता, तो जिस तरह से इन्होंने काम किया, अभी मेरे को फ़ोन कर रहे हैं सारे कि मेरे साहब, और मैं क्योंकि शिमला गया था तो मैंने आते ही आज यहाँ पर ऐसे ही बाई चांस ही आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि चंबा की डेवलपमेंट में हम कोई कसर ये जो करेंगे हम इनका पूरा सम्मान करेंगे। धन्यवाद।